सबको वही लेना है अगर हम डी की बात करें तो यहां पे बहुत सारा गोल्ड रिजर्व चाहिए क्योंकि एक्सचेंज रेट सिस्टम सिस्टम में क्लास गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहले हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट कर दी थी तो अगर आपको कोई भी करेंसी चाहिए तो आपको गोल्ड में पेमें पेमेंट करनी पड़ेगी आपको गोल्ड देना पड़ेगा हर कंट्री ने अपने गोल्ड में रेट सेट कर लिया था डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट सीधी सी बात है अब सरकार कितना रेट फिक्स करे हम एक रुपए के लिए कितने गोल्ड लें इसको रेट फिक्स करना बड़ा मुश्किल था कोई कंट्री अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करती थी कोई ओवर वैल्यू करती थी